आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की और ये मेरी आखिरी कोशिश है। आज डर भी है और खुशी भी। डर है मरने का, पर खुशी इस बात की है कि शायद अगले जन्म में मुझे वो मौका मिले जो इस जन्म में नहीं मिला। तीसरी कक्षा तक एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे वहाँ से निकाल कर मेरी मर्ज़ी के खिलाफ एक चाय की दुकान में काम करने को भेज दिया ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। अरे क्या कर रहा है, चाय रखेगा? मैंने सोचा कि कुछ समय निकाल कर पढ़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। घर आते आते रात हो जाती और उस समय भी मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। अरे छोटू सो जा। तनख्वाह कम होने के बावजूद भी मैंने एक सरकारी स्कूल में काम करना शुरू किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद मैं वहाँ पढ़ाई के साथ जुड़ा रह सकूँगा। मेरे घंटी बजाते ही बच्चे तो अपने घर चले जाते, पर खाली क्लास में मैं अपने लिए एक शिक्षा की किरण ढूंढता रहता। कम तनख्वाह होने की वजह से मेरे पिता ने मुझे एक कारखाने में भर्ती करवा दिया। मैं कारखाने में जाने के बजाय पढ़ना पसंद करता था, जिसकी सज़ा मुझे रोज़ मिलती रही। मुझे यही समझ में आया है कि गरीबी ही मेरे ना पढ़ पाने की वजह है, इसीलिए मैंने मरने का फैसला किया है। मुझे पूरा विश्वास तो नहीं, पर हाँ थोड़ी उम्मीद ज़रूर है कि अगर मैं अगले जन्म में एक संपन्न परिवार में जन्म ले पाऊँ तो शायद मैं पढ़ सकूँ।